एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा दिए गए निर्देश के बाद अब सोमवार से यानी 6 मई से दमोह में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। नगर पालिका प्रशासन के माध्यम से, जिला प्रशासन के सहयोग से, पुलिस प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अस्पताल चौराहे से शुरू की गई और यह कार्रवाई आगामी दिनों में अनवरत जारी रहेगी। इस संबंध में नगर पालिका सीएमओ के द्वारा भी जानकारी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट एशियन न्यूज। हेलो एसडीएम साहब की बाइट ले ना, फिर जो अपन तो जो क्रियाक्रम बना रख लो बेटा। अरे तेरा रात को भी है वो कहीं देखता है। ऊपर से तो हूँ शाम साहब ऐसे निकालो उसको ये अभियान शुरू किया गया है जिसमें शहर में जहाँ पे अतिक्रमण है, जो यातायात को बाधित करते हैं, उसमें सभी संयुक्त रूप से कार्रवाई होनी है। इसमें पुलिस प्रशासन और राजस्व की पूरी टीम और नगर पालिका की टीम सम्मिलित रूप से कार्य कर रही है। आज अस्पताल चौराहे को लिया गया है, प्रारंभ यहाँ से किया गया। धीरे धीरे ये मुहिम आगे बढ़ती जाएगी और डेली बेसिस निरंतर चलेगी ये कार्रवाई। बिल्कुल बिल्कुल निरंतर चलेगी। बहुत अतिक्रमण है, इनको क्या आज इस बार हटा दिया जाएगा? आज से ये मुहिम शुरू हुई है और लगातार ये कार्रवाई होनी। क्या मानते हैं कब तक अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा? इसके लिए पूरा प्लान हम लोगों ने रेडी किया है और आज यहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट डे अन्य जगह जहाँ अतिक्रमण है उनको चिन्हांकित कर लिया गया है, तो शीघ्र ही दमोह अतिक्रमण मुक्ति के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। थैंक यू।